हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन वर्मा फ्रॉम कांति डिग्री कॉलेज रामनगर बाराबंकी से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट से है। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की या हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पेनल्टी मेट सेल के डी आर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं उस एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस तरीके से हम कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच पजेस इनकम्प्लीटली फिल्ड डी आर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट दैट इज n-1 सेल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दीज एलिमेंट्स नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n-1 डी ऑर्बिटल। जैसा कि हमने पहले ही बताया, द नेम ओरिजिनेट फ्रॉम देयर प्लेस इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी आर्बिटल पेनल्टीमेट सेल में होना चाहिए। हम बात करते हैं कापर की, तो कापर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि कापर में 3D सेल कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर हम इसके फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज क्यूप्रस आयन की बात करते हैं, तो देखते हैं इसमें भी 3D सेल कम्प्लीटली फिल्ड है। अब हम देखते हैं कॉपर आयन या क्यूप्रिक आयन दैट इज की कॉपर का सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम देखेंगे कि यहाँ पर 3D9 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में कंप्लीट होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर 9 ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि कापर ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन एक्ट एज ट्रांजिशन एलिमेंट आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज इन ओनली क्यूप्रिक आयन डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। ऑन द अदर हैंड कॉपर एंड कॉपर क्यूप्रस आयन हैविंग 3D10 एंड 3D10 दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं जिंक की, तो जिंक में भी हम देखते हैं कि जिंक में हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं कि 3D कम्प्लीटली फिल्ड है। हम Zn2+ की अगर बात करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि 3D कम्प्लीटली फिल्ड है। इस वजह से जिंक ग्राउंड स्टेट में और सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में हम देख रहे हैं कि
इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर हम बात करते हैं कैडमियम की, तो कैडमियम में ग्राउंड स्टेट और सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में हम देखेंगे कि कम्प्लीटली फिल्ड डी आर्बिटल पाए जाएंगे। इसी तरीके से मरकरी में और मरकरी के सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हम देखेंगे कि कम्प्लीटली फिल्ड डी आर्बिटल पाए जाएंगे। इसलिए इनको एज ए रियल डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इनकी स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट में करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि पीरियाडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो अरेंजमेंट किया गया है, वो डिस्टर्ब ना होने पाए। इस वजह से हम डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ इनकी स्टडी करते हैं, जबकि ये एक रियल डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अगर, तो देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को चार भागों में बांटा गया है या चार सीरीज़ में बांटा गया है। पहली सीरीज़ को हम नाम देते हैं 3D सीरीज़, दूसरी सीरीज़ को नाम देते हैं 4D सीरीज़, तीसरी को नाम देते हैं 5D सीरीज़, चौथी को नाम देते हैं 6D सीरीज़। हम ये देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं वो फोर्थ पीरियड से शुरू होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ फिफ्थ पीरियड से, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ सिक्स्थ पीरियड से, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ सेवेंथ पीरियड से शुरू होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में 10 एलिमेंट हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में भी 10 एलिमेंट हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में 10 एलिमेंट हैं, और सेवेंथ ट्रांजिशन सीरीज़ में भी 10 एलिमेंट हैं। अब हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथेनम और उसके बाद में लैंथेनम से शुरू होता है आपका, लैंथेनम के बाद लैंथेनॉइड्स, तो लैंथेनॉइड्स और फिर उसके नीचे अगर हम देखेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में एक्टिनियम, तो एक्टिनियम से शुरू होते हैं आपके एक्टिनॉइड्स और लैंथेनम से शुरू होते हैं लैंथेनॉइड्स, जिनकी स्टडी हम करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो हम चूँकि पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट के ही बारे में डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम अगर देखते हैं कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में लैंथेनम, फिर हाफनियम से लेकर के मरकरी तक, उसके बाद में फिर हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में एक्टिनियम और अनन क्वेडियम से लेकर के अनन बीएम तक फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अभी हमने आपसे जिक्र किया कि एक पेनल्टी मेट सेल होती है। पेनल्टी मेट सेल का मतलब यह है, अगर हम मान लें कि ये फोर्थ सेल यही वैलेंस सेल है या यही आउटर मोस्ट सेल है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो इससे एक पहले की सेल को हम कहते हैं पेनल्टी मेट सेल। अगर हम इससे भी एक पहले जाते हैं तो इस सेल के लिए, इस वैलेंस सेल के लिए ये सेल हो जाएगी प्री पेनल्टी मेट सेल, इसको बोल देंगे प्री पेनल्टी मेट सेल कहेंगे। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इंटरिंग इलेक्ट्रॉन हैं, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम मान लें कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं या फर्स्ट की बात कर रहे हैं या थर्ड की बात कर रहे हैं, किसी की भी क्या बात कर रहे हैं, तो उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि डी आर्बिटल में ही डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करेंगे, जाएंगे, एंट्री लेंगे। अगर हम कहें कि वैलेंस सेल ये है, तो इसका मतलब है
कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसमें इस सेल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, क्योंकि इस वैलेंस सेल की ये पेनल्टीमेट सेल है। हम आगे बात करेंगे, देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके एस ब्लॉक एलिमेंट का एल्कली मेटल, उसके बाद में फिर सेकेंड में एस ब्लॉक एलिमेंट का ही एल्कलाइन अर्थ मेटल पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि थर्ड ग्रुप से शुरू हो जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम। अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखेंगे कि इनमें N-1 D1 NS2 थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए होगा। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर हम देखेंगे फोर्थ ग्रुप में तो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री करेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, वो N-1 D5 NS1 देखते हैं, जो कि एक सीक्वेंस में चल रहा था वो अब उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से बाहर से एक यहाँ पर आ गया है। इस वजह से यहाँ आपने देखा कि N-1 D5 NS1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया गया। हम देखते हैं कि इससे पहले वाले में फिफ्थ ग्रुप में देखते हैं कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D3 NS2 है। इसमें सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट में जो नियोबियम है वो इसका एक्सेप्शन है, वो इससे अलग बिहेवियर शो करता है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि N-1 D6 NS2 N-1 D7 NS2 N-1 D8 NS2 N-1 D9 NS1 और N-1 D10 NS2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जबकि हमको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डीपली, ये हमारा जो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट का रुथेनियम है और रोडियम इसके साथ पैलेडियम है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाई जा रही है। ये मेटल है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में एक जो अननबियम है जिसको एका मरकरी भी कहा गया है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर इसकी क्लासिफिकेशन किया गया कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स और फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको इंटरिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है, इंटरिंग इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसके लिए दूसरे वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।